हेलो एवरीवन। तो आज का दिन है 3 अक्टूबर और मैंने पहले ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में पनीर पराठा बना हुआ था। हम लोगों ने अच्छे से खाया और हम सभी बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि आज हम लोग का फर्स्ट डे है। हम लोग अब फिर चलते अपने क्लासेस के लिए और हम लोग का क्लासेस लेक्चर 5 की होने वाली है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। एक्साइट तो हम सब थे, बट जब क्लासेस स्टार्ट हुई और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया हम सब बोर होने लगे क्योंकि इंट्रोडक्शन वगैरह चल रहा था और इतना लंबा 4 घंटे तक इंट्रोडक्शन वगैरह ही चला, तो काफ़ी हम लोग बोर भी हो गए और नींद भी आने लगी। फिर बारी आया डाइसेक्शन हॉल में जाने की, तो हम लोग फिर से अंदर से एक्साइटमेंट आ गया कि फर्स्ट टाइम हम लोग कैडेवर देखेंगे और हम लोग फिर डाइसेक्शन हॉल की तरफ जाने के लिए सब रेडी हुए। मेरा तो चाहिए नहीं है जीवन में, बस यही रहेगा। हम नीचे डाइसेक्शन हॉल में जा रहे हैं, पूरी बना चाहिए। हाँ बोलो, डाइसेक्शन हॉल में जा रहे हैं भाई लोग। सॉरी सॉरी, कैडेवर जी को भी दिखाओगे क्या? फिर हम डाइसेक्शन हॉल में गए और पता चला वहाँ पे मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, सो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। इसके बाद हम लोग वापस गए लंच करने। एंड लंच करने के बाद हम लोग का मिनी ऑडिटोरियम में बुलाया गया था हम लोगों को, ताकि वाइट कोट सेरेमनी का रिहर्सल एक बार कर सके। तो फर्स्ट टाइम हम लोग ऑडिटोरियम में गए। काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम था, तो आगे आप खुद देख लीजिए। कुछ बोल दो, बोलना है तो क्या बोलना, बोलेंगे ना क्या बोलना है? कुछ भी बोल दो। ये हमारा ऑडिटोरियम सबसे बढ़िया ऑडिटोरियम, सब्सक्राइब कर दो ऑडिटोरियम को, सब्सक्राइब कर दो पब्लिक को अच्छे से। गौतम के चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अब आज का दिन है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को हम लोग का व्हाइट कोट सेरेमनी होने वाले थे एंड हमारे कुछ चीफ गेस्ट आने वाले थे। तो फिर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, हम लोग बैठे बैठे और आधा घंटा डिले हो गया, फिर भी हम लोग बैठे रहे हैं अपने अपने मोबाइल चला रहे थे, कोई मोबाइल चलने में एंड देन फिर स्टार्ट हुआ व्हाइट कोट सेरेमनी। फिजियोलॉजी में मॉडल कंपटीशन में जो जो विनर हुए तो उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। ये हमारे सीनियर से 2022 बैच के। उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम लोगों को बाहर बुलाया गया और रिफ्रेशमेंट दिया गया। तो सभी को हैप्पी बर्थडे। मैं तो कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि अंदर क्या होगा क्योंकि काफ़ी भारी था ये। फिर लोग बाहर गए। ओ माय गॉड, आज तो कुछ ज्यादा स्पेशल हो गया। कैसा लग रहा है रजनीश? बढ़िया लग रहा है।
पहली बार इतना अच्छा नाश्ता मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले नहीं मिल चुका। अच्छा, कैसा लग रहा है? क्या देते हैं यार ये लोग, इतना अच्छा तो दिया है। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। समर्थ, या दैट्स अ नाइस रिफ्रेशमेंट। नाइस रिफ्रेशमेंट तो खाओ। या हॉस्टल में खाओगे क्या? हॉस्टल में नो, आई एम जस्ट ओपनिंग इट। डेन में अपने हॉस्टल में रूम में आया और आराम से मजे से खाया जो जो दिया गया था। और आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड बी कनेक्टेड। मैं और भी ब्लॉग वगैरह बनाते रहूँगा। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए अच्छे से।